से 30 साल पहले लोगों के पास एक या दो जोड़े लिबास के हुआ करते थे। शादी के ऊपर लोग किसी से जूते मांग के लेके जाया करते थे, याद थे जूते अच्छे, मैंने शादी पे जाना है। अमीर भी ऐसा करते थे, गरीब भी ऐसा करते थे। मेरा एक दोस्त मजाक से कहता है, पहले जब किसी से पूछते होते थे क्या हाल है, वो कहता था शुक्र है, आज पूछते तो कहता शुगर है। तो बिल्कुल हालात बदल गए और ना शुक्री पैदा हो गई है, बरकत उठ गई है, अल्लाह की नाराजगी हो गई है। ये नाराजगी कैसे होती है? जब हम उसके हुक्मों को तोड़ते हैं तो फिर वो हमारी परवाह करना छोड़ देता है। फिर सहरा में पड़े हुए खुश्क पत्ते की तरह हवाएं चाहे इधर उड़ाएं चाहे इधर उड़ाएं, अल्लाह को कोई गरज नहीं होती, वो जिधर मर्जी धक्के खाता फिरे। और अगर कोई उसका हो जाए फिर वो अल्लाह के जुम्मे होता है, अल्लाह फिर उसकी हिफाजत करता है। कोई मैली आंख से देख के जाए कहां कि किसी में हिम्मत कैसे हो। हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला ने जंगल में भटक गए तो इंसानी भूख सूंघ के शेर जब हमलावर होने के लिए करीब आया तो हजरत सफीना रुक गए और शेर की आंखों में आंखें डाल के कहा, और जंगल के बादशाह, जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं। अल्लाह अकबर। साहब मिश्कात लिखते हैं कि उस शेर ने दुम हलाना शुरू कर, कोई जुबानी हाल से कह रहा था तू रसूलुल्लाह का नौकर है तो फिर मैं तेरा नौकर हूं। अल्लाह अकबर। तो हम जब उनके ना रहे, हम जब उनके ना रहे तो फिर जमाना हमारा ना रहा, तो ये नतीजा है गुनाहों का। अल्लाह अकबर। तो हम अपने कारोबार को जब साफ सुथरा रखेंगे, पाकीजा रखेंगे, तो तमानियत मिलेगी, सुकून मिलेगा, करार मिलेगा।